सार्वजनिक तरीके से हमें मार्गदर्शन दिया और हम ऊर्जान्वित हुए। अब मैं समय की गरिमा को देखते हुए समय हमारा समापन की तरफ बढ़ रहा है। ग्रीष निशाना जी आप आए और उन्हें सम्मानित करेंगे। ग्रीष निशाना जी मैं सोच रहा था उसको निशाना को बोल दूंगा, मैं सोच रहा था बोल दूंगा। विकास तिवतिया जी और उपेंद्र जी बोल क्या, थोड़ा हमें धैर्य को, जब आप सब बैठे रहे हैं तभी हम सुश्री राजश्री चौधरी जी का जो उद्बोधन है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वतन से प्यार है मुझको, वतन की दीवानी हूँ, रचूं इतिहास पन्नों पर स्वर्णिम सी कहानी हूँ, करे तुलना मेरी जो फूलों से कलियों से, दिखाना है उनको कि मैं झांसी की रानी हूँ, दिखाना है उनको कि मैं झांसी की रानी हूँ। सुश्री राजश्री चौधरी जी जो सुभाष चंद्र बोस के परिवार की रक्त वंश है, आपका यहाँ आपकी उपस्थिति हमें गौरवान्वित कर रही है और हम चाहते हैं कि 100 रुपया पाए और हमें एक उद्बोधन के माध्यम से इस अभियान को गति देने का प्रयास करें। सुश्री राजश्री चौधरी आप सभी को नमन। और निर्विकल्प फाउंडेशन को बहुत बहुत बधाई। हमारा सुभाष, आप सभी का सुभाष कल जन्म लिए थे और आज पहला दिन अगर कोई अच्छे ढंग से अच्छा प्रयास किए हैं उनका जन्मदिन मनाने का, वो निर्विकल्प फाउंडेशन किए हैं, तो इसीलिए आप सभी को बधाई ऑर्गेनाइजर्स को। हमको चाहर जी ने पूछे कि दीदी आप कब बोलना चाहेंगे, तो हमने बोला सबसे लास्ट, क्योंकि देवता का पहले आह्वान होता है, उसके बाद मंत्र पाठ से उनका आचमन होता है, उनका पूजन होता है, उनका अर्चन होता है, उनका बंदन होता है, उनका आरती होता है, लास्ट में प्रसाद मिलता है और वो प्रसाद लेके सब घर में जाके ये पूजन का याद करते हैं। तो इसलिए हमने बोले कि प्रसाद वितरण का काम हमारे हाथ में सौंप दो कि हमको ये भाग्य सौभाग्य मिल जाए। तो हमारा ये सौभाग्य है कि आज के दिन आप सभी को संबोधित करने का हमारा मौका मिला, क्योंकि आज के दिन जो है आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज बालिका दिवस भी है और सुभाष जी ऐसे शख्सियत थे कि महिलाओं को सम्मानित करते हुए पहला, अगर सारा दुनिया में कोई महिलाओं के लिए मिलिट्री रेजिमेंट किए थे तो वो सुभाष जी किए थे, रानी झांसी जयंती। इट वॉज एन ऑफिशियल मिलिट्री रेजिमेंट इन अ सरकार। सुभाष जी कोई आजाद हिंद फौज प्रतिष्ठा नहीं किया, सिर्फ हमारा आजाद हिंद सरकार का प्रतिष्ठाता है, हमारा प्रथम राष्ट्र प्रधान है। अगर नॉन कॉमनवेल्थ सरकार कोई अभी भी है तो वो आजाद हिंद सरकार है, जो ब्रिटेन का अधीन में सरकार नहीं है और भारत का आजादी का प्रतीक है वो आजाद हिंद सरकार है। सुभाष चंद्र बोस जी जो है कोई व्यक्ति विशेष नहीं है,
कोई इतिहास का चैप्टर नहीं है, वो एक एपिक है, एक एनिग्मा है, एक मिस्ट्री है, एक सोच है। और हमारा साम्राज्यवादी को खत्म करने वाला आजादी का असली महक जो है उसका प्रतीक है। और सरकार को हम बधाई देना चाहेंगे कि जाने में अनजाने में उनका जन्म जयंती को पराक्रम दिवस घोषित किया। पराक्रम का कभी अगर मृत्यु हो गया तो वो देश का मृत्यु हो जाता। तो कल से हम लोग बोलने लगा चिरंजीवी सुभाष, खबरदार उनका मृत्यु का कोई घोषणा मत करना, क्योंकि उनका मृत्यु अगर हो गया तो सरकार के अनुसार हमारे पराक्रमी नेता का मृत्यु हो जाएगा। तो कल से हम लोग बोलने लगा चिरंजीवी सुभाष और उनका नाम से जय धरी देने लगा। अमर रहे नहीं सुभाष जी का नाम पे, जिसे राम जी का नाम पे जय श्री राम होता है, कृष्ण जी का नाम पे जय कृष्ण होता है, वैसे जय सुभाष कल से हम लोग बोलने लगा। एक सौ पच्चीसतम जो आज से शुरुआत हुआ है उनका जन्म जयंती का उत्सव, ये बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, देश के स्वाभिमान के लिए, देश का जो सोच है उसको और भी विस्तार करने के लिए और इंडिया को भारत करने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण साल है। आजाद हिंद सरकार गठित हुआ था 21 अक्टूबर 1943 में। ये सिर्फ एक सरकार दिखावा सरकार नहीं थे, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन था, इसमें आर्मी था, इसमें कॉइन सिस्टम था, इसमें पोस्टल सिस्टम था और छह छह देशों में ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम थे। उस जमाने में जहां पे एक जगह से और एक जगह फ्लाइट पे जाने में कई घंटा लग जाता था, उस जमाने में एक आदमी, एक अकेला आदमी उनका घर द्वार सब छोड़ के अज्ञात एक अनजाने में कौन सा रूट पकड़ के वो पश्चिमी देश में पहुंचे और हिटलर जैसे शख्सियत से हाथ मिलवाए, लेकिन झुके नहीं, देश को बेचा नहीं, देश को कल्चर को बेचा नहीं, देश का सोच को बेचा नहीं। धमकी देकर आए थे, हिटलर ने गलत शब्द लिखे थे भारत के लिए, बोला वो मिटा दो पहले मिस्टर हिटलर, और उसके बाद जो है हिटलर का सहारे उन्होंने समुद्र तक रीच किया जहां जापानीज सबमरीन वेट कर रहा था और अल्टीमेटली सबमरीन से आए उन्होंने ईस्ट एशिया। सिंगापुर में उनका जब ओवेशन हुआ, सुभाष जी देश का जान है बोल के, तो उन्होंने संबोधित किया सारा देशवासियों को जो एनआरआई थे, वो नहीं बोला कि तुम हमको खून दो हम तुमको आजादी दूंगे, वो बोला इन हिज फेमस स्पीच कॉल्ड द प्राइस ऑफ लिबर्टी कि आजादी का देवी को खून चाहिए। आप सभी तो आजादी फौज में ज्वाइन किए हैं, लेकिन आजादी का देवी को खून चाहिए, ये खून जो है सुइसाइड स्क्वाड के लिए चाहिए, और जब आप सुइसाइड स्क्वाड में नाम लिखोगे इट इज एन अग्रीमेंट विद डेथ सो यू हैव टू साइन विद योर ब्लड। आप लोग सुन नहीं रहे हो, आजादी का देवी बोल रही है तुम मुझको तू खून दो हम तुमको आजादी दूंगा, ये बोलते हैं
हजारों लोग, हजारों नौजवान रेडी हो गए सुसाइड स्क्वाड में ज्वाइन करने के लिए, देश के लिए प्राण देने के लिए रेडी हो गया, और अपना खून से ये सारा युवाएं अपना सिग्नेचर दिया। और ये आजाद हिंद फौज जो है, इसके इसको देखते हुए, इसका ऊर्जा देखते हुए सुभाष जी इतना भावुक हो गया कि 24 अक्टूबर 1943 में ही डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट द अलायंस, द फर्स्ट हेड ऑफ स्टेट। अभी भी हमारा भारत में हेड ऑफ गवर्नमेंट है, हेड ऑफ स्टेट नहीं है, बिकॉज वी आर अ कॉमनवेल्थ नेशन। लेकिन आजाद हिंद सरकार का राष्ट्रप्रधान हमारा प्रथम सुप्रीम कमांडर शिप नहीं थे, ही वॉज द हेड ऑफ स्टेट, ही डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट द अलाइड फोर्सेस, एंड ही वॉज द ओनली लीडर हु डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट द अलाइड फोर्सेस। और आजाद हिंद फौज आगे बढ़ते गया, आगे बढ़ते हुए ब्रिटिश आर्मी को हराते गया, जबकि हिटलर जापान और जितना सारा दुनिया में एंटी अलायंस जितना नेशंस था सब सरेंडर कर दिया। आजाद हिंद सरकार अभी तक वो सरकार है जो अभी तक सरेंडर नहीं किया। हमारा पास हिस्ट्री जो है अधूरा है, या आजादी सरकार हमारा निजी सरकार है, भारत का सरकार है जो कॉल किया था सीज फायर का। सुभाष जी जब मोइराम तक हम लोग जीतते हुए आगे बढ़ते गया ब्रिटिश आर्मी का अगेंस्ट में, तो जयचंद बोल के बहुत बार इधर स्पीच हुआ है, कुछ ऐसे जयचंद जाके ब्रिटेन को बोला आजाद हिंद सरकार के पास, आजाद हिंद फौज के पास, और दो दिन का रसद है, असम तक अगर रीच कर गया यह आजाद हिंद फौज तो इंडियन आर्मी विल रिवोल्ट, और सुभाष जी आगे बढ़ते जाएंगे, माला पहनते जाएंगे, सारा देश अखंड भारत पूरा नॉन ब्रिटिश रूल हो जाएंगे और आजाद हिंद सरकार टेक ओवर कर लेंगे। तो तब जो लोग बैठे हैं सत्ता के लिए उन लोगों का क्या होगा, देश का बंटवारा का जो बात हो चुका है उसका क्या होगा, और ब्रिटिश इंटरेस्ट इन एशिया का क्या होगा। ब्रिटेन को जब मालूम पड़ा कि दो दिन का रसद है, तब अमरीकी हेल्प लेके एयर स्ट्राइक शुरू किया। जापान के पास सबमरीन था, बिकॉज इट्स एन आर्चिपेलागो, उनके पास समुद्र रिलेटेड चीज था, लेकिन एयर प्लेन जो सहारा देने के लिए जो था वो नहीं था। सो नेचुरली देयर वर एयर स्ट्राइक्स, वेदर बिकेम इंक्लेमेंट, सो द फौज हैड टू रिट्रीट, but the Azad Hind Sarkar never surrendered like Hitler and other governments. Emergency meeting call hua, Major Kaini ke haath mein Subhash ji handover kiya temporarily the activities of the government, or the government called for ceasefire. There's a difference between surrender and ceasefire. हम लोगों के पास जो दस्तावेज है ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट, उसका प्रेल्यूड में वॉल्यूम 6 पेज नंबर 138, 139, 140 में लिखा हुआ है, अगर सुभाष चंद्र बोस इज कॉट अलाइव इन द सॉइल ऑफ इंडिया, ही कैनॉट बी ट्राइड इन इंडिया बिकॉज देयर विल बी फायर ऑल अराउंड, ही कैन बी ट्राइड इन सेशंस In Malaya, he can be all brought in here and then
तक की चर्चाएं हैं उनका कैप्टिविटी के बाद क्या होगा। लास्ट में लिखा हुआ है और लीव हिम एज ही इज एंड वी शुड नॉट आस्क फॉर हिज सरेंडर, मतलब उनको छोड़ दो, नहीं तो सबसे बढ़िया होगा कि उनको छोड़ दो और उनका सरेंडर के लिए उनको मत कुछ बोलो। सो ही इज द ओनली हेड ऑफ स्टेट ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारा दुनिया में अगर कोई नेता है जो राष्ट्रप्रधान है जो अभी तक हमारा स्वाभिमान नहीं बेचा, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी है, वो अभी तक सरेंडर नहीं किया। और हमारा सरकार आजाद हिंद सरकार अभी तक सीज फायर में है, सरेंडर नहीं किया। ये स्वाभिमान का इतिहास is not known to the next generation in full, and I hope through further declassification of files from various nations इस साल हमारा सरकार कॉन्सेंट्रेट करके वियतनाम, जापान, चाइना, मंगोलिया, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जितना साउथ अमेरिकन कंट्रीज है, अफ्रीकन कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज है, यूएसए, यूके, इंडिया ऑफिस इन लंदन, कॉमनवेल्थ, सभी से मांग ले सुभाष चंद्र बोस जी का रिलेटेड फाइल्स, सो दैट हिज पॉलिटिकल एक्टिविटीज, हिज डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज एंड रिलेशंस ये सारा खुलासा हो जाए और तब हम सभी का सीना चौड़ा हो जाएगा कि एक माँ का ऐसा बेटा जन्म दिया हमारा देश में, हमारा देशभक्ति का ऐसे सपूत दिया है कि युग युग में युग पुरुष के नाते हम लोग उनको एक प्रतीक, एक शौर्य का प्रतीक, पराक्रमी पुरुष का प्रतीक हम लोग उनको मिल जाएगा। युवा को इधर उधर कभी नक्सल कभी माओवादी नहीं होना पड़ेगा, उनके सामने ये प्रतीक होगा कि अगर होना है तो सुभाष को, नहीं होना है तो लेकिन चीजें तुमको हो। और जब हम लोग कभी गाएंगे जनगण मन अधिनायक जय है, अधिनायक के रूप में सुभाष दिखाई पड़ेगा, जॉर्ज का फिफ्थ नहीं। जब इतिहास खुलासा होगा हमारा राष्ट्र नायक अधिनायक के रूप में हमारा सामने आ जाएगा। जय सुभाष, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।